हेलो, तो हम ये वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। सिंबल थोड़ा कवर करते हैं ज़रा, क्योंकि पहले जो वीडियो रिकॉर्ड की थी उसमें थोड़ा साउंड प्रॉब्लम आ गया था, वीडियो हैंग हो गई थी उस दिन, इसलिए वीडियो की वजह से प्रॉब्लम थी, साउंड की वजह से नहीं था। कोई बात नहीं, पढ़ते हैं ज़रा। सिंबल्स, अ सिंबल इज़ द शॉर्ट फॉर्म, अ सिंबल इज़ द शॉर्ट फॉर्म। हमने दिखाई दे रहे हैं, गोल्ड गोल्ड को शॉर्ट में ए यू बोला जाता है, सिल्वर को शॉर्ट में ए यू ए जी बोला जाता है, मरकरी को एच जी बोला जाता है। तो सारे के सारे क्या हैं शॉर्ट फॉर्म, सारे के सारे क्या हैं शॉर्ट फॉर्म। दिखाई दे रहे हैं, दैट स्टैंड फॉर द एटम। जो क्या बताते हैं उसके एटम के बारे में बताते हैं, जो क्या बताते हैं उसके एटम के बारे में बताते हैं, क्योंकि एटम के बारे में बताते हैं। एटम के बारे में क्या बताते हैं, एक स्पेसिफिक एलिमेंट और द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द नेम ऑफ एलिमेंट। या तो एलिमेंट बताएंगे या फिर एब्रीविएशन बता देंगे, सारे एलिमेंट नहीं बताते हैं, कुछ कुछ एब्रीविएशन से बता देते हैं। ठीक है, इस सोने के अंदर कितने एलिमेंट्स है ये नहीं बता रहा। तो सर ये क्या होता है, ओरम, ओरम एक नेम है, एक एब्रीविएशन उस नेम का शॉर्ट फॉर्म के। ठीक है, ईच एलिमेंट इज डिनोटेड बाय अ सिंबल। हर एलिमेंट को एक सिंबल से डिनोट किया जाता है, हर एलिमेंट को एक सिंबल से डिनोट किया जाता है। ठीक है, दिस इज यूजुअली फर्स्ट लेटर, जो कि यूजुअली क्या होता है, फर्स्ट लेटर होता है उसके इंग्लिश नेम का, इंग्लिश नेम का। ठीक है, या तो इंग्लिश नेम का फर्स्ट लेटर होगा या फिर लैटिन नेम का फर्स्ट लेटर होगा। ठीक है, जो कैसे लिखा जाएगा, कैपिटल में लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा, कैपिटल में लिखा जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल सल्फर हुआ, उसका एस हो गया। हाइड्रोजन हुआ तो हाइड्रोजन का फर्स्ट कैपिटल, फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर में एच हो गया। ठीक है, बट कभी कभी होते हैं एक कुछ नाम ऐसा होते हैं कि फर्स्ट कैपिटल सेम होते हैं, फर्स्ट लेटर सेम होते हैं, जैसे कि कार्बन, कोबाल्ट, कॉपर, कैल्शियम, कैडमियम, क्रोमियम, क्लोराइड, सबों के फर्स्ट लेटर सेम होते हैं। ऐसे किस्म क्या करते हैं, दो लेटर ले लेते हैं, किसम क्या कर लेते हैं, दो लेटर ले लेते हैं, पहला वाला कैपिटल ही रहने देते हैं, छोटा दूसरा वाला स्मॉल लेटर रहने देते हैं। तो कार्बन का क्या कर दिया हमने, कार्बन का हमने सी रहने दिया, कोबाल्ट का हमने सी ओ कर दिया, कॉपर का सी ओ, कॉपर का कहाँ गया, सी यू कर दिया। फिर सी यू क्यों लेता, सी यू तो है नहीं सकता, उसके लैटिन नेम है कोपरम, तो उस लैटिन नेम से दो वर्ड ले लिए कोपरम। कैल्शियम को सी ए ले लिया, फिर दो दो लेटर हम ले सकते हैं, कैडमियम का सी डी ले लिया, क्रोमियम का सी आर ले लिया, क्लोरीन का सी एल ले लिया। बी केयरफुल अबाउट कैपिटल एंड स्मॉल लेटर, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, क्योंकि उससे मीनिंग बदल जाएगा, अगर आपने सी ओ शॉर्ट में लिखा है तो उसका मतलब क्या है, कोबाल्ट, लेकिन आपने सी ओ दोनों लेटर कैपिटल लेटर लिख दिया तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो उसका ध्यान रखना है, कैपिटल लेटर का स्मॉल लेटर। ठीक है, मीनिंग चेंज हो सकता है। अ सिंबल इज नॉट मेरली एन एब्रीविएशन फॉर द नेम ऑफ एन एलिमेंट बट ऑल्सो हैज अ सिग्निफिकेंस। सिंबल एक अकेला एब्रीविएशन नहीं है, इसकी और भी कुछ सिग्निफिकेंस होती है, इसकी और भी कुछ इंपॉर्टेंस होती है। क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है, ये हमें कुछ चीज़ें बता दें क्या, कि किसी एलिमेंट का नाम क्या है, उस एलिमेंट में एटम क्या है। ठीक है, उस एलिमेंट का मास क्या है, सर मास क्या है ये बताता है। हाँ, ये हम आगे आके पढ़ेंगे, आगे आके बी एक्सरसाइज में सी एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल वो कह रहा है एक एलिमेंट है नाइट्रोजन, एलिमेंट है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के अंदर नाइट्रोजन के एटम कितने हैं, एक ही है एन के अंदर। अगर एवर टू लिखा होता था टू एटम्स हो जाते हैं, अभी इस क्वेश्चन लिखा तो वन एटम ही है। इसका वेट कितना है, 14, अभी 14 कहाँ से है, बी और सी एक्सरसाइज में सीखेंगे, सी में सीखेंगे बेसिकल, बी में और पढ़ेंगे इसके बारे में, सी में सीखेंगे कहाँ से आया ये। ठीक है, तो कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं, कुछ कॉमन एलिमेंट्स का। ठीक है, आपको याद रखने हैं, ये आपको याद करने हैं, सर याद करने हैं। हाँ, आप बेसिकली लास्ट टाइम बी एक्सरसाइज के लास्ट में क्वेश्चन पूछे गए इनके ऊपर, बी में और सी में, है ना, तो याद करने पड़ेंगे आपको, धीरे धीरे करते चलना, धीरे धीरे। सिंबल्स तो हो गया, वैलेंसी क्या है, अ
वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट, इम्पोर्टेंस बोलिए, वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज अ मेजर ऑफ इट्स कंबाइनिंग पावर विद अदर एलिमेंट्स। मतलब क्या, आपको तो पता है कि केमिकल रिएक्शंस होते हैं, मेरे को हाइड्रोजन होना, तो हाइड्रोजन बनाने के लिए हाइड्रोजन के दो एलिमेंट्स को ऑक्सीजन के साथ मिलाऊंगा, तब मेरा जाकर वो क्या बनेगा, H2O बनेगा, तब मेरा जाकर वाटर बनेगा। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो एज्यूम कर लो ऐसे बनता है। तो ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अब देखो ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर, दोनों आपस में जुड़ रहे हैं ना, दोनों आपस में जुड़ रहे हैं, प्लस का मतलब क्या, जुड़ रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं ना। तो क्या ऐसे कोई भी किसी जुड़ सकता है क्या, क्या ऐसे कोई भी किसी जुड़ सकता है क्या? आपने कभी सुना है, आप पता नहीं लैब में ले जाते हैं, नहीं ले जाते टीचर आपको, ले जाएंगे नहीं ले जाएंगे, अभी आपको इस क्लास में नहीं ले जाएंगे, पर आपने टीवी वगैरह में, मूवी वगैरह में, सीरियल्स वगैरह में अगर देखा हो, तो लैब में जब हम किसी गलत एलिमेंट को किसी गलत एलिमेंट के साथ मिला देते हैं तो ब्लास्ट हो जाता है। नहीं होता, यानी को कंबाइन नहीं कर पा रहे, यानी कि वो कंबाइन नहीं कर पा रहे, कंबाइन कर रहे हैं तो वो किसी और पर्पज से कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो कंबाइन होने की कैपेसिटी, कंबाइन होने की कैपेसिटी, कौन से एलिमेंट कंबाइन हो सकते हो, कितना हो सकते हैं, उस कैपेसिटी को, उस कैपेसिटी को, उस पावर को, उस कंबाइन होने की पावर को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। तो वैलेंसी क्या है, वैलेंसी क्या है, कंबाइनिंग पावर, कंबाइनिंग पावर को मेजर करने का तरीका है ये, ये कंबाइनिंग पावर भी नहीं, कंबाइनिंग पावर को मेजर करने का तरीका कि कौन कितना कंबाइन हो सकता है, बस ये बताता है ये वैलेंसी, ठीक है। फिर वैलेंस को कैसे मेजर किया था, तो कहते हैं वैलेंसी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स, इसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स के टर्म्स में मेजर किया जाता है। इसका मतलब क्या है, इट इज़ द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ये क्या है कि हाइड्रोजन नंबर के, हाइड्रोजन एटम्स, सॉरी ये हाइड्रोजन एटम्स के या फिर ऑक्सीजन के डबल एटम्स कर दो, डेट कैन कंबाइंड विद इट। तो मतलब कि समझ में नहीं आया, वो कह रहा है वैलेंसी क्या है, वैलेंसी का रफ्तारी को तारे रफ्तारी, वैलेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, वैलेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, या फिर कैसे से वैलेंस इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है, जो कि कंबाइन हो सकते हैं आपस में, जो कंबाइन हो सकते हैं आपस में, ठीक है। सिंस नो अदर हैज कंबाइनिंग कैपेसिटी लेस देन दैट ऑफ हाइड्रोजन, इट्स वैलेंस इज टेकन टू बी वन एंड इज कंसीडर्ड एज अ स्टैंडर्ड। वो कह रहे हैं किसी भी एलिमेंट की कैपेसिटी एक से कम नहीं होती, सर एक से कम लगे नहीं, हाइड्रोजन से कम होती, तो हाइड्रोजन से कम नहीं होने का उनका मतलब है कि हाइड्रोजन की जो वैलेंस होती है वन होती है, तो सर किसी भी एलिमेंट की एक से कम तो होती नहीं है, इसलिए हम इसकी बैलेंसी को, इसकी वैलेंसी मतलब कि हाइड्रोजन की बैलेंस को ना एक स्टैंडर्ड मान के चलते हैं कि सबसे कम तो इतना, इससे कम तो कुछ होगा, बिल्कुल स्टैंडर्ड यूनिट मान के चलते हैं, ठीक है। अब उनको फिर कहता है, अच्छा फिर उसके अंदर फिर मॉडर्न डेफिनेशन बता रहा है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन चाहिए, सर पीछे पढ़ा और अभी मॉडर्न डेफिनेशन का, वो कहता वो एक रफ लैंग्वेज थी, एक रफ लेमैन की लैंग्वेज में, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, साइंटिफिक लैंग्वेज में आप देखते हैं मीनिंग क्या है बेसिकली। वैलेंसी की डेफिनेशन, लुक एट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट एन एटम कैन लूज, गेन और शेयर ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन कॉल्ड वैलेंसी। क्या होता है सर, ये आपको मैं सच बताता हूँ सर, सच है, हाँ जो मेरे को अभी नहीं बताना था, मेरे को बी एक्सरसाइज में बताना था, बट मैं आपको बताया, तो आपने क्या पढ़ा है कि सर मैटर बनता है, मैटर बनता है, मैटर के अंतर लिखा हूँ, मैटर कैसे बनता है, मॉलिक्यूल से, मॉलिक्यूल्स किससे बनते हैं, एटम से, हमने क्या पढ़ा, एटम सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, अब इसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, बट ये गलत है, बट ये गलत है, ये और फर्दर के पार्ट्स में डिवाइड है,
इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ये सब। ठीक है ठीक है। तो वो कह रहा है कि एक केमिकल रिएक्शन में, कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, या तो कम होंगे या फिर इंक्रीज होंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन या तो लूज होते हैं या फिर गेन होते हैं, उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। उन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। सर ये तो उससे डिफरेंस अलग है, बिल्कुल अलग नहीं बात है कि वैलेंस मतलब मेजर था ना, तो मेजर, तो मेजर आप कैसे करोगे, तो मेजर वो कह रहे हैं मेजर आप करो इलेक्ट्रॉन के बेस पे। उसने कहा वैलेंसी मतलब है कंबाइनिंग पावर ना, वहाँ पे हाथ उस कंबाइनिंग पावर को मेजर कैसे करोगे। तो कंबाइनिंग पावर को मेजर करने का तरीका है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, कि कंबाइनिंग पावर उनकी है चार इलेक्ट्रॉन लूज करने की, कि वो कंबाइन तब होंगे, दो एलिमेंट कंबाइन तब होंगे जब उनके चार एटम्स कम हो जाए, चार इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाए, तो उनकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, नेगेटिव फोर इलेक्ट्रॉन, या फिर कोई कोई एलिमेंट्स ऐसे हैं जो आपस में कंबाइन तब होंगे उनके अंदर चार इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाए, तो उनकी वैलेंसी क्या होगी, या फिर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हो, तो उनकी वैलेंसी क्या होगी, नहीं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स मत कहना, तो उनकी वैलेंसी क्या होगी, पॉजिटिव फोर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो उसको बोलते हैं वैलेंसी, बिल्कुल सही लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, मैं जरा दिखा दूँ, मैंने कोई एग्जांपल दिया था लास्ट टाइम, उसको समझा दूंगा आपको। सॉरी, इलेक्ट्रॉन इज द आउटर मोस्ट सेल ऑफ द एटम, आज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये मेरे को लेफ्ट एक्सेस से समझाना है, बी में बना के समझा दे। ये कुछ सेल्स होते हैं, एक दो तीन चार, तो करें यहाँ पर भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पर भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पर भी कुछ होते हैं, तो करें इस आउटर मोस्ट सेल पर जो होते हैं ना, आउटर मोस्ट सेल पर इन वाले इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। आप लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे ड्रॉ करके डायग्राम इज इक्वल टू लिख लेना वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एन एटम कंटेन्स इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन लिखा हुआ है। ईच इलेक्ट्रॉन इज वन यूनिट नेगेटिव चार्ज, ये ध्यान रखना, हर किसी के पास चार्ज होते हैं, हर किसी के पास होते हैं चार्ज होते हैं, कैसे कैसे चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन सारा सिंपल होता है, उसको चार्ज ही नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है, ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है, बट न्यूट्रल हैज नो इलेक्ट्रिक चार्ज, ये न्यूट्रल होता है। ठीक है, एवरी एटम नॉर्मली कंटेन्स इन इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स व्हिच बैलेंस देयर चार्ज इन एटम एंड मेक एन एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। वो कह रहा है ऐसे बढ़ जाएगा तो फोकस क्या करो, नॉर्मली जनरली नॉर्मली यूजुअली जो कोई भी एटम होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन वो कह लो, कोई भी एटम ले लो, कोई भी एटम होता है ना, वो जनरली इक्वल बैलेंस होता है। इक्वल बैलेंस मतलब क्या, ना तो वो नेगेटिव होगा ना वो पॉजिटिव होगा, वो न्यूट्रल होता है। सर न्यूट्रल कैसे हो जाएगा, अरे न्यूट्रल ऐसे होगा क्योंकि उसके अंदर जो माइनस वाला चार्ज और जो प्लस वाला चार्ज है ना, वो दोनों इक्वल होगा। सर दोनों इक्वल होगा मतलब, तो सर वो दोनों जो प्लस होंगे ना, क्योंकि दोनों इक्वल आप क्वांटिटी में होंगे, माइनस का सिंबल जितने उतने ज़्यादा प्लस के होंगे, तो जब इक्वल होंगे तब आंसर क्या आएगा, न्यूट्रल। आंसर क्या आएगा, न्यूट्रल, दोनों कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से। और सर ये कैसे होगा, ये ऐसे होगा जब इलेक्ट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन हो, इलेक्ट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन ऐसे हो, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन होना चाहिए, यानी जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने नंबर ऑफ के होने चाहिए प्रोटॉन होने चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज देगा और प्रोटॉन उसको पॉजिटिव चार्ज देगा, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि जनरली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एवरी एटम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स के जो नंबर होते हैं वो सेम रखता है, सेम ही होते हैं, क्यों सेम होते हैं, ताकि उनका चार्ज क्या रहे, इससे चार्ज करें न्यूट्रल रहे, ताकि मेक एन एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ताकि वो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहे, ताकि उनका बैलेंस बना रहे।
हाँ, अगर इफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स आर नाइदर रिमूव्ड फ्रॉम एन एटम और एडेड टू एन एटम देन द एटम हैज आइदर लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देन नॉर्मल और मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देन नॉर्मल इन गेट्स एन ओवर इलेक्ट्रिक चार्ज द एटम देन बिकम एन आयन। सब कुछ छोड़ दो जो मैं बता रहा हूँ, वो याद रखो, इसके बस पैराग्राफ को छोड़ दो क्या लिखा हुआ है। बस सिंपल से कह रहे हैं, सब करो कोई एक्टिविटी, कोई एक्टिविटी हुई ठीक है, जहाँ पर या तो इलेक्ट्रॉन गेन हुआ प्लस आयरन, या तो इलेक्ट्रॉन गेन हुआ इलेक्ट्रॉन बढ़ाना है केमिकल होते में, या फिर कोई फर्क नहीं पड़ा, और तीसरा केस में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन हुआ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है ना, या फिर कोई फर्क नहीं पड़ा। तीनों केस में क्या होगा, कोई ना कोई चार्ज आ जाएगा। वो तीनों केस में नहीं, दो केस में, गेन वाले केस में लूज वाले केस में कोई ना कोई चार्ज आ ही जाएगा। और सर जब चार्ज आ जाता है, जैसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया, तो इस चार्ज वाले केस को हम बोलते हैं कि उसके ऊपर एक आयन आ गया। क्या क्या आयन, एक आयन आ गया ठीक है। इस चार्ज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते करते साइंस में, आयन्स के नाम से। अगर आयन पॉजिटिवली चार्ज है, नहीं वो कह रहे हैं अब पॉजिटिव चार्ज कैसे नहीं, तो पॉजिटिव चार्ज कैसे नहीं, यानी पॉजिटिविटी ज़्यादा होनी चाहिए, पॉजिटिविटी ज़्यादा कैसे, क्योंकि प्रोटोन ज़्यादा होंगे। हाँ तो वो लिखा हुआ है, प्रोटोन ज़्यादा हो या फिर इलेक्ट्रॉन्स कम हो, बात एक ही है। तो कह रहे हैं आयन इज पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज एटम दिस इज फॉर्मड बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव कैसे बनेगा, लॉस होने से इलेक्ट्रॉन्स के। नेगेटिव कैसे बनेगा, इलेक्ट्रॉन्स के गेन होने से ठीक है। फिर बता रहे हैं द लॉस लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रॉन की आउटर मोस्ट शेल। अब वो कह रहा है ये जो गेन और लॉस होने चाहिए ना, ये भी कौन से वाले इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, अंदर वाले नहीं बाहर वाले ठीक है, ऐसे भाग लेते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं। हाँ ये आपने एट क्लास में पढ़ा होगा बहुत डिटेल में, चैप्टर था इसको पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर करके। टू अटेन स्टेबिलिटी एटम्स हैव टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन। वो कह रहे हैं अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए तो एटम्स को कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कहाँ पर भी आउटर मोस्ट सेल पर, वो भी कहाँ पर, आउटर मोस्ट सेल पर ठीक है। दस एटम्स इज बर्न टू 3 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल लूज दीज इलेक्ट्रॉन टू अटेन स्टेबिलिटी। और इसलिए वो कह रहे हैं जहाँ पर सर इनके आउटर मोस्ट सेल पर, आउटर मोस्ट सेल को हम वैलेंस सेल भी बोलते हैं ठीक है, एक तरफ खाया जाता है जिसको अलग अलग नाम भी होते हैं, वैलेंस सेल भी बोलते हैं। अगर यहाँ पर सर एक या दो या तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं तो सर ये क्या करते हैं, अपनी स्टेबिलिटी को खो देते हैं ठीक है, फिर एक को नहीं बन पाते। और इनको हम क्या बोलेंगे, अगर एक होगा तो हम मोनोवेलेंट बोलेंगे, दो होगा तो डाइवेलेंट बोलेंगे, तीन बोलेंगे तो ट्राइवेलेंट बोलेंगे पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव तो नेगेटिव ठीक है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ अभी सीधे हमको पॉजिटिव आयन होंगे तो उनको कैसस बोलते हैं ठीक है। यहाँ तक बेसिकली मैंने उस वीडियो में पढ़ाया था, मैंने आपको थोड़ा यहाँ तक कंप्लीट कराती हूँ। अब इसके बाद जो आगे की वीडियो है वो परफेक्ट है, आप उनको देख सकते हो ठीक है, और आपको समझ आ जाएगा ठीक है। होमवर्क लिखो, क्वेश्चन 2 होमवर्क है आपका। चल ये करना, बस ठीक है, ये हाफ फॉर्मूला है आपका। अब मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर बायो के ऊपर बढ़ चलाऊंगा ठीक है, इसको देख लेना, बाकी इस चैप्टर को जल्दी खत्म कर लेना ठीक है।